सो फाइनली कम्पिटिटिव एग्जाम सी जी पी एस सी व्यापम, ठीक है, सी जी पी एस सी व्यापम टूडे इज नाउ क्लास वन। एंशंट हिस्ट्री इंडियन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही एनालिटिक जो कमेंट बॉक्स में नाउ ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम कमेंट नाउ, ये जो मैं एम सी क्यू लेकर आया हूँ, ठीक है, ये जो मैं आपका एम सी क्यू को लेकर आया हूँ, ये सभी क्लास के लिए बेहतर साबित होगा। कड़ी मशक्कत के बाद मैं इस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि भारतीय प्राचीन इतिहास यानी कि एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं, जो आने वाले छत्तीसगढ़ परीक्षा जैसे लोक सेवा आयोग यानी कि सी जी पी एस सी, पटवारी, राजस्व निरीक्षक यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक जो 34 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर रही है जिसका एग्जाम 24 जून को है, उसी प्रकार सहायक ग्रेड थ्री, असिस्टेंट ग्रेड थ्री का भी एग्जाम है जैसे परीक्षाओं में होता है। सहायक ग्रेड थ्री अत्यंत उपयोगी सिद्ध है, अत्यंत आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, चाहे आप राजस्व निरीक्षक की भर्ती यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के 133 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जबकि इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, यानी कि बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग व्यापम पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। जिनको श्रम निरीक्षक की तैयारी करना है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं या जो भी नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है जो कि आपके यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको ध्यान से समझना। इस प्रश्नावली में हमने विभिन्न इतिहास के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है बुद्ध तथा महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सेकंड प्रश्न आपका रहेगा अंग्रेजी शासन से संबंधित प्रश्न, तीसरा है वेदों तथा शास्त्रों से संबंधित प्रश्न, चौथा है अशोक के शासनकाल से संबंधित प्रश्न और मुगल काल से संबंधित प्रश्न, यानी कि आपको पूरा हिस्ट्री, आपको पूरा इतिहास, प्राचीन एंशंट इंडिया ऑफ हिस्ट्री यानी कि पूरा कंप्लीट क्लास आज के वीडियो में आपको पूरा डेकोइड कंबाइनेड क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस वीडियो को आपने देख लिया समझो आपका 50% कंप्लीट हो चुका, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास वन, ये आपका क्लास वन यानी कि पार्ट वन वीडियो है जो कि बेहतर क्लास होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप तैयार हो जाइएगा टेस्ट क्लास के रूप में, ठीक है। बिल्कुल टेस्ट क्लास रहेगा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फाइनली जितने भी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, जितने भी क्लास अटेंड किए हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1799 या ऑप्शन डी 1769, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। जितने भी व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए लेटेस्ट क्लास लेकर आया हूँ, क्लास वन, जो कि यह इंपॉर्टेंट क्लास है यानी कि आईएमपी क्लास, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्लास वन, जो कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, टोटल हम आपको एक हफ्ते का यानी कि 1 से 7 दिन का टारगेट देते हैं, पूरा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जीके पूरा कंप्लीट क्लास करा दूंगा मैं, ठीक है। तो जो लोग इंडियन की जीके तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल क्लास में लेकर आता हूँ, बिल्कुल फ्री क्लास, रिकॉर्डेड के तौर पर ना, बिल्कुल। बीच में कमेंट ना करें, जो मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा, बाकी जो बीच में बोलेगा उनको मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगा, ना कि वो कभी मेरा वीडियो देख पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ बिल्कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे टेस्ट के रूप में, सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। 1857, 1793, 1799, 1769, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, पोलिंग बूथ में दे दिया हूँ, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे ज़्यादा ऑप्शन सी जा रहा है यानी कि 1799 में, यानी कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई है 1799 में, ठीक है, याद रखना 1799 में वीरगति प्राप्त हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दिशाओं के कारण बदली हुई है, ठीक है, ये बदली हुई है ना, ठीक है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दिशाओं के कारण देख को बदलती है। तो पहला ऑप्शन है बूढ़ा, रोगी, मृत या सन्यासी, ऑप्शन बी है अंधा, रोगी, लाश्य, सन्यासी,
ऑप्शन सी है लंगड़ा रोगी लासन्यासी, ऑप्शन फोर है योगी रोगी लासन्यासी। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। ये क्रम वाइज एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाया हूँ, काफ़ी बेहतर क्लास है। इस वीडियो को आपने नहीं देखा, समझो आपका 50% मार्क खा गया एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ 50% आपका एग्ज़ाम में मार्क खा जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा क्लास जी। क्लास वन है ये, क्लास वन का टोटल 7 क्लास चलेगी, जिसमें आपको पूरा इंडियन का कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखकर बदली हुई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए आप सभी का आंसर आना स्टार्ट हो, जिन लोगों को मालूम है कमेंट करके बताइएगा, और जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कमेंट ना करें ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर कमेंट ना करें, अब मैं ब्लॉक करूँगा डायरेक्ट में, ठीक है। तो बूढ़ा, रोग, मृतक और सन्यासी, तो सबसे पहले आपको बूढ़ा, उसी पर रोग, मृतक, फिर सन्यासी, ये चारों दृश्य को देखकर भावना ने बदली है बुद्ध में। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन कौन सा है, बुद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसे उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, तो इसका आंसर आपको चलिए बताइएगा, ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन फोर कारुवाकी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। जो लोग टेस्ट तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट है ना आपको 30 MCQ में लेकर आया हूँ, 9:30 बजे की क्लास चल रही है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो मैं प्राचीन एंशिएंट यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो ब्लॉग, हाँ जो व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं, एक बार फिर से ना, जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, बाकी का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से बिल्कुल क्लास कर सकते हो, जाके आप जाइएगा, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आपको मैं नोटिफिकेशन भेज पाऊंगा, वरना जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसके पास यह वीडियो नहीं पहुंचेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा मैं सेटिंग करके रखा हूं इस क्लासेस को, ठीक है। देखिए जो बार बार, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ दिया हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट ना करें, अभी सिर्फ आंसर दीजिएगा। हाँ, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, वह कारुवाकी, आंसर डी हो जाएगा। एक बार नोट कीजिएगा कौन सा है, कारुवाकी, बिल्कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जिनको मालूम नहीं है तो ऑप्शन ए भी, जो भी आपको मालूम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिनका गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर वीडियो को एक बार देख लो आपको याद हो ही जाएगा, अगर एक बार में याद नहीं होता वीडियो को दोबारा देख लो, यहाँ से फिर आप देखिए, अगर एक बार में आप लोग क्लास कर लेते हो उसके बाद दोबारा आप लोग अपने हिसाब से टिक लगाते चाहिएगा कि ये वाला होगा फिर ये वाला होगा, तो कैसे याद नहीं होगा, तीसरा बार में वीडियो को देखोगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। देखिए तो निम्नलिखित में सबसे प्राचीन राजवंश, तो निम्न में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन फोर कर्ण वंश, तो इसका आंसर ए हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, मौर्य वंश, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। देखिए एग्जाम में बार बार पूछता है कि अंग्रेज के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है, तो कर्नल टॉड, जेम्स प्रिंसेप या हेमचंद्र राय चौधरी या ऑप्शन फोर चार्ल्स मैटकॉक। कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो इनका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने का सबसे पहला जो अंग्रेज था वो आपका जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छठवां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा कि महावीर जैन ने संघ की स्थापना कहाँ की है। जो आपका महावीर जैन है गौतम बुद्ध, वो आपको जैन में संघ की स्थापना कहाँ की है, महावीर जैन, हाँ कुंडग्राम, वैशाली, पावापुरी या वाराणसी, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। छठवां क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी होगा, पावापुरी, ठीक है, कौन सा होगा, पावापुरी, आंसर सी। कितने लोगों को आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है जल्दी से जाइएगा, वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं उसको यह वीडियो का लाभ मिल सके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन हो गया है,
SI भर्ती का तो क्लास कंप्लीट हो ही चुका है ना, उसका एग्ज़ाम हो चुका है। उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर की क्लास 24 जून को है, 24 जून को उसका एग्ज़ाम है ना, उसी पर बहुत सारी वैकेंसी निकल कर रही है, शिक्षक भर्ती वगैरह। अगर आप लोग तैयारी ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक नहीं स्किप नहीं करना, क्योंकि देखिए अगर आप लोग स्किप कर देते हो तो बिल्कुल वीडियो का लाभ नहीं ले पाओगे। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है पैटर्न के हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। यह जो पैटर्न है आपका बिल्कुल एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन के तौर, आपको सिलेक्टेड ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर बनते ही हैं। मैं इसलिए आप सभी के लिए ऊर्जा खत्म कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में क्लियर हो पाएँ, ठीक है। वीडियो एक बार कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, यानी कि पार्ट टू वीडियो चाहिए, क्लास टू वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर यस करके लिखिएगा नेक्स्ट में कि सर आपका वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, बिल्कुल परफॉर्मेंस आप सभी का बिल्कुल इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल पार्ट टू वीडियो लेकर आइए। ऐसा सर करके बोलोगे मैं पार्ट टू वीडियो लेकर आऊँगा, अन्यथा नहीं लाऊँगा। अगर वीडियो में आकर हाँ अगर वीडियो में आपका परफॉर्मेंस अगर कमेंट बॉक्स में अच्छा खासा अगर आपको आता है, वीडियो में अच्छा खासा लाइक आता है, सेकंड क्लास लेकर आऊँगा मैं बोल रहा हूँ। और जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बिल्कुल 90% गारंटी देता हूँ, 90% लिख कर ले लो, ऐसे आपके एग्जाम में पैटर्न पूछा ही जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछाएगा, पर पैटर्न लेकर आया हूँ, इतना ज़बरदस्त तो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? पावा पूरी, बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए सातवां का देखते हैं कि किस विदेशी दूत ने अपने आओ भागवत घोषित किया था। हाँ सातवां क्वेश्चन है आपका कि किस विदेशी दूत ने अपने भागवत घोषित किया था, अपने को भागवत घोषित किया था, हेलिओडोरस ने, किसने? हेलिओडोरस ने, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आठवां क्वेश्चन आपका कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, लोहा, कांसा, तांबा, सोना, कमेंट करके बताइएगा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, तांबा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है। आपका नौवां क्वेश्चन, बिल्कुल हम 30 क्वेश्चन देखेंगे ना, अभी तो नौवां क्वेश्चन है। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला, ए गोपत, दूसरा सतपत, तीसरा ऐतरेय, चौथा पंचवीस। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है, तो नौवां का आंसर बी हो जाएगा, सतपत ब्राह्मण। चलिए दसवां क्वेश्चन देखते हैं, दसवां क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, CGPSC व्यापम में, तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो आपका दसवां क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है। ये जो यजुर्वेद है इसमें गद्य और पद्य दोनों की व्याख्या की गई है। चलिए ग्यारहवा क्वेश्चन देखते हैं कि मालिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया, जो मालिक काफूर है उसको 1000 दिनारी क्यों कहा गया, क्योंकि ऑप्शन ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ऑप्शन बी वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, ऑप्शन सी उसके पास, कमेंट ना करें ना, पास 1000 गांवों का स्वामित्व था, वह 1000 दिनार प्रतिदान करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्यारहवा का ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग अपने स्वेच्छा से अपने खुद से अगर आप लोग मुझे पैसा देना चाहते हैं या जो भी गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से स्वेच्छा राशि देना चाहते हैं, तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक स्कैन कोड, ठीक है, जो आपका बार कोड दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोग स्वेच्छा राशि अगर देना चाहते हैं, अगर अपने हिसाब से 20, 30, 50 जो भी देना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बार कोड दिखाई दे रहा होगा, आप जाके यहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा, जो भी आपको राशि प्रदान करना है कर सकते हैं। लेकिन मैं जो क्लास ले रहा हूँ बिल्कुल फ्री क्लासेस है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर बारकोड के माध्यम से आप जो भी राशि स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से जो भी आप मुझे देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, यहाँ पर बारकोड में दिया गया है, ठीक है। अगर स्कैन करना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग गूगल पे या फोन पे के माध्यम से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में नंबर दिया गया, जाके आप वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर दिया होगा उस पर जाके आप लोग
कर सकते हैं। ये आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है, या कॉल नंबर है, या व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आपको स्वेच्छा से, अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, तो पार्ट टू वीडियो लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन आपके अपने हिसाब से अगर स्वेच्छता राशि देना चाहते हो तो इस बारकोड के माध्यम से या फिर इस नंबर के माध्यम से आप कभी भी गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हो, जो भी अपने स्वेच्छता राशि देना चाहते हो। और जो लोग अपना पैसा या फिर जो भी आपका जो भी अपने स्वेच्छता राशि दोगे, है ना, जो भी आप अपना स्वेच्छता राशि दोगे वहाँ पर अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। वहाँ पर अगर आप लोग पैसा देते हो, जो भी रुपए देते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इतना रुपए चाहिए करके, अपने स्वेच्छता राशि से जो भी अपनी इच्छा से जो भी बनता है आप लोग अगर देना चाहते हैं तो अपना दीजिएगा बारकोड के हिसाब से। बारकोड मतलब बारकोड में आप लोग स्कैन करके दे सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप लोग बिल्कुल गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही जो लोग अगर आप लोग गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से अगर जो भी आप रुपीज़ दे रहे हो तो अपना नाम जरूर लिखना ना कमेंट बॉक्स में कि सर हम इतने रुपए जरूर दिए हैं करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर से नेक्स्ट क्लास 10:30 को रहती है सुबह, यह आपका 9:30 की क्लास थी, ठीक है, 9:30 की क्लास थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन देखें। चलिए हाँ बिल्कुल, अगर आपको स्वेच्छता राशि अगर आपको देना ही चाहते हैं तो दीजिएगा ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ना देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक कर दो। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, तो हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था, 12 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हड़प्पा वासी को किसका ज्ञान नहीं था, मेहराबों का निर्माण, ठीक है। चलिए तो फटाफट कमेंट करते हैं फटाफट ना, बहुत सारा क्लास करना है अभी, 2-3 क्लास और बचा हुआ है। तो 13वां क्लास देखते हैं यहाँ पर, 13 क्लास कौन सा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह, तो बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन या महात्मा गांधी, तो इसका आंसर बिल्कुल सेकंड होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किसने की थी, तो 14 क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज किस स्थान से हुई थी, कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनवाली, तो 14 का आंसर हो जाएगा दैमाबाद, ये हो जाएगा आंसर सी दैमाबाद, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है दैमाबाद, जितने लोगों का आंसर सी आया है बिल्कुल सही। जो लोग तैयारी कर रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को आंसर दीजिएगा ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप सभी के लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिजल्ट आता है आप सभी का, अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे कॉल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं फिर 15 नंबर के ना, तो महावीर स्वामी यति कब कहलाए, महावीर स्वामी यति कब कहलाए, घर त्यागने के बाद आंसर यही होगा इसका आंसर, चलिए ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि क्या होगा, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी शुंग काल, या ऑप्शन डी सातवाहन काल। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था, तो 16 का आंसर आप लोग बताइएगा बिल्कुल क्या है, आंसर बी कुषाण काल, ठीक है। चलिए भारत में 17वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य क्या है, तो भारत में निर्यात से अधिक आयात का होना, भारत में सोना चांदी बेचने जाना, ऑप्शन सी प्रतिभा का पलायन, जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होता है, आपका आंसर डी होगा बिल्कुल सही है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है आपका सिंह का बाग यानी कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कई बार पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, अब यहाँ पर घुमाकर पूछा गया है सिंध का बाग, ये नया पैटर्न है ठीक है। तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 4 लोथल, तो 18वां क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसका आंसर मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं,
बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, इतना मेहनत से हम क्लास लेकर आए हैं। और अगर आप चाहो तो बारकोड के माध्यम से बिल्कुल अगर स्वेच्छता राशि देना चाहते हैं तो अब जो भी बनता है 20-30-50 जो भी, मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग इतना रुपया दीजिएगा कि आप, अगर आपकी इच्छा हो है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो बारकोड के माध्यम से या फिर इस नंबर के माध्यम से आप लोग गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं खुद नहीं मांग रहा हूँ मेरे को इतना रुपया चाहिए करके। अगर आप स्वेच्छता राशि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है, अपने हिसाब से दीजिएगा। ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मांग रहा हूँ इतना रुपया। ठीक है, चलिए। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना से की गई है, पुस्तक में लिखा गया है। नवजीवन, इंडिया टुडे, द प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या गोरा। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा 1900 का, इंडिया टुडे। चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अल नाहक घोषित किया था। मंसूर हल्लाज, जलालुद्दीन रूमी, फरीदुद्दीन रूमी, इब्नुल अरबीन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मंसूर। ठीक, 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है आपका कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिगिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो 21 का क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉर्ड एलिगिन द्वितीय। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए ना, जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं मैं ये नहीं जानता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ ना, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या मार्कंडेय पुराण। तो 22 का आंसर, कितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, मत्स्य पुराण, बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट है कि किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? याद रखना, किस विदेशी यात्रा है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 23 क्वेश्चन है। तो किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? तो आंसर सी, मेगास्थनिक ने। तो बिल्कुल सही है, मेगास्थनिक ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? बर्नियर, राफ्रिज, हॉकिंस, थॉमसन रो। ट्वेंटी फोर का ऑप्शन बी होगा, राफ्रिज। चलिए 50 खोलते हैं, 25 क्वेश्चन देखते हैं ना। 25 क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी है? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 25 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी वज्रयान। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्थल पर संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? वेल्लोर, कांची, हम्पी या श्रीरंगम। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में। 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 का क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन भारत में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया है? अग्रोनोमाई, सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, अक्राध्यक्ष। तो 27 का आंसर भी होगा सीताध्यक्ष, है ना। चलिए अष्ट दिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? अष्ट दिग्गज ना, हाँ, शिवाजी, कृष्णदेव, राजदेव, यशोवर्मन। इसका आंसर बी, कृष्णदेव। ठीक, 29 क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को निम्नलिखित इस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जैन साहित्य को जैन आगम के नाम से जाना जाता है, आंसर ए। 29 का क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम कंप्यूटर की क्लास देखेंगे। 30 है, 29वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? जमशेद सिंह, रुस्तम ब्रह्मजी, नवलाजी टाटा, बहमजी एम ए मल्लबरी। तो आंसर 30वां का डी होगा, बहराम जी एम मल्लबारी। ये आपका आंसर डी होगा। आप सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड।
वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा ना, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं या जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है CGPSC व्यापम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे आपका कंप्यूटर की क्लास रहने वाली। ठीक है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है मैथ्स की क्लास के लिए। हाँ बिल्कुल मैथ्स, देखिए जी मेरा पर यहाँ पर जो टच पेन स्क्रीन था वो ख़राब हो चुका है, उसके लिए मैं नया एक दो से तीन दिन लगेगा ख़रीदने में। ठीक है, तो 2-3 दिन के बाद मैथ्स क्लास होगी ना। तो देखिए मैं एक कैमरा लिया हूँ जो 15,000 का रुपया है, उसके लिए काफ़ी अभी मशक्क़त करना पड़ा था। ठीक है, तो मेरे पास कम था ना, मेरे पास बजट बहुत कम था, इसलिए मैं अभी नहीं पाया था ना, इसलिए क्लास नहीं ले पाया था मैथ्स की क्लास। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर जो भी आप स्वेच्छता राशि देना चाहते हैं अपने हिसाब से तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, सर इस नंबर पर हम आपको इतने रुपये दिए हैं करके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट क्लास लाएंगे अगर आप लोग चाहो तो। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।